गुड मॉर्निंग ऑल इंडिया रेडियो और आज सवा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो दो न्यूज़ हमारे पास है जो इम्पोर्टेंट है, डिस्कस करेंगे। देश देशांतर के अंदर बात करें तो बिजली सेक्टर के बारे में बात की गई है, इम्पोर्टेंट है, डिस्कस करेंगे। इन डेप्थ के अंदर बात की गई है पॉवर्टी के बारे में, जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी, स्किप करेंगे, कुछ नए पॉइंट्स नहीं है। विशेष के अंदर पशुधन के बारे में बात की गई है, डिस्कस करेंगे। द बिग पिक्चर के अंदर जो बात की गई है ये आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं निकलता है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज जो है हमारे पास, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको दिखेगा नीति आयोग ने लॉन्च किया है फर्स्ट एवर, यहाँ पर इनोवेशन इंडेक्स लॉन्च किया है और इसमें इंपॉर्टेंट नीति आयोग ने लॉन्च किया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, किसने किया है तो नीति आयोग ने। नेक्स्ट पहला जो कंट्री होगा यहाँ पर ऑनर टू प्रमोट कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब कंपटीशन अच्छी तरह से हो स्टेट के बीच, कर्नाटका टॉप किया है और तमिलनाडु सेकंड किया है, महाराष्ट्र इज द थर्ड पोजिशन। इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं होता है लेकिन कर्नाटक फर्स्ट और आप तमिलनाडु जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट होता है। झारखंड हैज गॉट द लास्ट प्लेस इन द लिस्ट ऑफ सेवन मेजर स्टेट्स, झारखंड ने सबसे नीचे पायदान पर आया है, ये इंपॉर्टेंट होता है। यही बातें यहां पर इंग्लिश में दी गई हैं, यही बातें। एक और टर्म बताओ, फिक्की के बारे में थोड़ी सी बात की गई है, फिक्की फेडरेशन ऑफ, ये वाला जो टर्म है फिक्की आप जानते हो, ये 1927 में बना था, इसको आप ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो एक सेकेंड, नेक्स्ट आर्टिकल जो बात की गई है वो बिजली के बारे में बात की गई है। बिजली के बारे में ये बात की गई है कि सुधार, बिजली के बारे में कि सुधार तो हो रहा है लेकिन धरातल पर ढंग से नहीं हो पा रहा है, धरातल पर ढंग से नहीं हो पा रहा है और 24 घंटे बिजली रहना चाहिए लेकिन ये कब और सस्ता होना चाहिए, कंज्यूमर्स ऐसा चाहते हैं, जिस तरह से पेट्रोल डीजल की ज़रूरत होती है उसी तरह से बिजली की भी ज़रूरत होती है। मैनेजमेंट को सही करना होगा, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है। अगर 24 घंटे लाइट नहीं है तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि बिजली नहीं है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, लेकुनाज है उनके मैनेजमेंट सिस्टम में। किसान लोगों को सब्सिडी दी जाती है गांव में, किसान लोगों को कि आप जो है सो ये आप खेती कीजिए, लेकिन ये सब्सिडी की जगह डीबीटी भी दिया जा सकता है ताकि किसान प्रमोट ज्यादा हो सके। प्रीपेड मीटर की बात की जानी चाहिए, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट ही किया है, जो प्रीपेड जितना यूज़ करोगे मोबाइल डाटा की तरह उतना ही पैसा लगेगा। ये एक इकोनॉमिक कमोडिटी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आगे लेके जाना, इतनी ही बातें इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल जो है पशुधन की जनगणना सेंसस के बारे में, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्राचीन काल में से ही मानवीय सभ्यता के विकास में पशुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साल दर साल समय बदलता गया और सभ्यता के विकास में सभी सदियों से बदलाव होता गया। लकड़ी के घूमते पहियों ने भरी भारी भरकम विमानों का रूप ले लिया, लकड़ी के घूमते पहियों ने बड़े भारी भरकम विमान का रूप ले लिया। इसके बावजूद बैलगाड़ी घोड़ागाड़ी और अन्य पशुओं का महत्व आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। आधुनिकीकरण के वर्तमान युग में भी हम दूध दही मक्खन पनीर गोश्त अंडे और ऊन जैसी भौतिक वस्तुओं के लिए पशुओं पर निर्भर है। वास्तविकता तो यह है अगर पशुपालन न किया जाए और पशुधन को संभाल के न रखा जाए तो हमारी खाद्य व्यवस्था ही डगमगा जाएगी, क्योंकि बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाओं जैसे अकाल बाढ़ आदि में पशुधन ही आर्थिक संकट से निकलने का सबसे सस्ता और सरल समाधान है। ये कृषि के साथ आसानी से किया जा सकता है, इसलिए इन पर खर्चों में भी काफी कम आता है। पशुधन कृषि के साथ ही किसानों के आर्थिक हालात के को संभालने का एक अच्छा सहारा है। यही वजह है कि सरकार पशुधन के महत्व को स्वीकार करते हुए हर पांच साल बाद कब से 1919 ध्यान रखना आप 1919 100 ईयर अभी चल रहा है, यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ से पशु का सेंसस का। यहाँ पर और बात की जाए इसके अंदर नेक्स्ट अगर, तो पशुओं की आबादी में इजाफा हुआ है। 20वीं है ये 20th सेंसस है, ये 20वां नंबर आज़ादी के बाद से काउंट करोगे तो 2012 की तुलना में अभी जो है 4.6% था 2012 में, और 2019 में ये बढ़ करके ये करीब करीब ये 53 करोड़ 57 लाख हो गया है, मतलब ये बढ़ा है, कहने का मतलब ये है। यहाँ पर गायों की आबादी में 18% का इजाफा हुआ है, गाय बढ़े हैं हमारे भारत में, और गौधन भी बढ़ा है, बकरी की हिस्सेदारी 17.27% के आसपास हो गया है, सुअर की हिस्सेदारी जो है कमी आई है। यहाँ पर मिथुन जो अरुणाचल प्रदेश का राज्य कह सकते हो आप, ये इसकी संख्या में कमी आई है, और याक की संख्या 1% की वृद्धि हुई है।
नेक्स्ट बात की जाए तो पिछली बार की तुलना में जो सेंसस है इस बार बढ़ोतरी ज्यादा देखने को मिल रही है। स्वदेशी भी बढ़ा है यहाँ पर और भैंसों की संख्या में लगभग 1% की बढ़ोतरी हुई है। दुधारू पशु जो दूध देते हैं 12,53,00,000 हो गया, मतलब दुधारू पशु की संख्या में वृद्धि हुई है सीधी बात कहे तो। नेक्स्ट बात करें तो सुअर की संख्या, अभी अभी मैंने बताया सुअर की संख्या 12% से घटकर एक्चुअल में घटा है, सॉरी बढ़ा था मैंने बोला था, सुअर की संख्या घटा है। बकरियों की संख्या जरूर, गोट जो होता है उसकी संख्या 10% बढ़ी है यहां पर पिछले जनगणना के अनुसार। देखो एक आंकड़ा दे रहा हूं उसके अनुसार आप इसको डिकोड कर सकते हो, जब सेंसस की बात पशुओं की बात करनी हो तो आप इसको भैंस बफेलो, दूसरा भेड़, तीसरा बकरे और मिथुन की बात कही थी, हाँ मिथुन की बात कही थी मैंने, इसकी संख्या इन भैंस भेड़ बकरी मिथुन इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, ये बातें आपको ध्यान रखना है। सुअर घोड़े खच्चर और ऊंट इनकी संख्या में घटोतरी हुई है। ये भैंस भेड़ बकरी और यहाँ पर जो है आप मिथुन को कह सकते हो ये इंक्रीज हुआ है और सुअर घोड़ा खच्चर ऊंट इनकी संख्या में घटा है, इनकी संख्या में इजाफा नहीं हुआ है, ये इंपॉर्टेंट होता है। वेस्ट बंगाल में कुछ चीजें जरूर बढ़ी है, यहाँ पर तेलंगाना में भी कुछ चीजें बढ़ी हैं, चीजें मतलब पशु। सबसे पहले ब्रिटिश भारत में 1919 में यह सेंसस हुआ था पशुधन से संबंधित डाटा इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर, और मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय को आगे बढ़ाया गया आजाद भारत में। कब? 1951 में आजाद भारत से स्टार्ट हुआ और अभी हमारा 20वां सेंसस ये होगा। डिजिटली होगा, कॉमन सेंस है, टैबलेट का यूज किया जाएगा, कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाएगा। आखिर हम इस डाटा का सवाल तो ये उठता है, इस डाटा का इस्तेमाल हम करते क्यों हैं? इस डाटा का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि इस डाटा के बदौलत हमारे यहाँ कहाँ क्या जरूरत है नहीं है या फिर कितना चारा की आवश्यकता है उस अनुसार खेती की जा सकती है, उस अनुसार किसानों के इनकम को जो डबल करने की बात कही जा रही है वो किया जा सकता है, तो ये सारे फायदे हो सकते हैं। अभी नया डेयरी मंत्रालय भी बनाया गया है आपको याद हो तो। नेक्स्ट इसके अंदर बात करें तो पशुओं की आयु लिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है, नमूने तैयार किया जा सकता है। और 2014-15 में गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन की शुरुआत की थी कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा, और यहाँ पर सतत विकास के लिए डिजाइन किया गया, पशुपालन हो, डेयरी हो, मत्स्य पालन हो, कुकुट बकरी इन स्रोत से ज़्यादा ध्यान दिया गया, भेड़ बकरी सुअर जिसका कि मांस का एक्सपोर्ट किया जाता है इस पर ज़्यादा कौशल विकास स्किल देने की बात कही गई, पालक और किसान की आजीविका में सुधार करना इसका लक्ष्य है। हाँ एक बात और है जो इम्पोर्टेंट है, आप इसको यूज कर सकते हो कि महिलाओं को योजना का लाभार्थी बनाना, महिलाएँ ज़्यादा इसमें रहती हैं। नेक्स्ट उद्यमिता विकास और रोजगार सृजन घटक के अंतर्गत नाबार्ड सब्सिडी चैलेंजिंग एजेंसी के तौर पर, नाबार्ड एजेंसी जो है चैलेंजिंग एजेंसी के तौर पर, गांव में आप सुनते होंगे ग्रामीण बैंक जो है सो बहुत सारे लोगों को गाय देती है लोन पे, आज भी मिलता है तो गाय, हालांकि इसका दुरुपयोग भी होता है कहीं कहीं, वो कहते हैं कि मर गया दिस डेट तो इंश्योरेंस ले लेते हैं, लेकिन ये एक योजना है। पोल्ट्री उद्यम योजना भी है और योजना का लाभ क्या क्या हो सकता है, तो राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण बैंक द्वारा पैसे मिलते हैं, वाणिज्य बैंक रूरल बैंक सहकारी बैंक इनके द्वारा पैसे दिए जाते हैं। और 2018 में HIDF की स्थापना की गई, HIDF की स्थापना, और इसमें 2,450 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान भी किया गया। छोटे और गरीब किसानों को उद्यमी बनाना, विशेष रूप से महिलाओं को SHG स्वयं सहायता समूह से आगे बढ़ाना, कमजोर वर्ग को आगे बढ़ाना, बेहतर मेहनताना देकर देना, पशुधन की बीमा योजना को देना, ये सारी बातें इसके अंदर कही जाती हैं। तो और तो कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर, एक मिनट में देख लूँ तो फिर क्या पता कुछ छूट गया हो। हाँ अंडे में जरूर वार्षिक वृद्धि देखने को मिली है, प्रति व्यक्ति 69 अंडे बढ़ा है, मतलब प्रति व्यक्ति। पहाड़ी क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में लाभार्थियों पर ध्यान देने की जरूरत है, ये सब कार्यक्रम है इसका, तो ये सारी बातें इसके अंदर कही जाती हैं। आज से अपना जो सीरीज चल रहा था क्वेश्चन आंसर का उसको भी कंटिन्यू करेंगे, तो आज के न्यूज़ में इतना ही था। थैंक यू।